हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिफाइड लैटिस मल्टीप्लिकेशन। आज हम आपको मैथ्स में लैटिस मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 37 एंड 23। तो आपने जो मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है, तो आपने मल्टीप्लाई करना सिंपल मेथड में 2 और 3 डिजिट का सीखा। लेकिन अब ये लैटिस जो है, लैटिस मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरह से होता है, आइए आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पूरा फुल कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, बिल्कुल मेन स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसके बीच में इसको फोर पार्ट्स से बिल्कुल सेम फोर पार्ट्स जो बिल्कुल इक्वल कर रहे हो, इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, थोड़ा भी है अंतर नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया इसमें फोर इक्वल पार्ट्स में। अब इसके बाद, यानी फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने स्क्वायर बनाया। सेकेंड स्टेप था, हमने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसके जो नीचे है लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट बॉटम से राइट बॉटम की तरफ हम सीधी, ये नीचे से ऊपर की तरफ एक लाइन सीधी सीधी खींचेंगे। देखिए, बिल्कुल नीचे से ऊपर, बहुत इजी मेथड है ये, नीचे से ऊपर हमने सीधी ये लाइन खींच ली। ठीक है, अब देखिए, ये भी नीचे से जा रही है ऊपर, ये भी नीचे से अबव जा रही है, ये भी लेफ्ट टू टॉप जा रही है, ये भी लेफ्ट टू टॉप बॉटम जा रही है, यानी लेफ्ट से लेके टॉप तक जा रही है लाइन। अब हमें क्या करना है, ये क्या किससे करना है, हमें 37, 37 एंड 23। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एंड यहाँ लिखेंगे 7। ठीक है, 1 ब्लॉक के आगे 1 डिजिट, यहाँ हम लिखेंगे 2 एंड यहाँ हम लिखेंगे 3। तो 37 आ गया और हमारा क्या आ गया, 23। अब हम 2 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करेंगे, यानी ये जो 2 है ऊपर वाला अब वाली डिजिट, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसकी सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की 7 टाइम्स हमने जब टेबल पढ़ी तो 2 7 40। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये 2 7 आ रहा है 40, तो हमेशा जो वंस वाली डिजिट होती है, यानी जो हमारी लेफ्ट वाली जो वंस वाली जो डिजिट है, वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं और जो हमारी टेंस वाली आती है उसको हम ऊपर लिखते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो वंस वाली डिजिट है वो नीचे आएगी और टेंस वाली डिजिट हमारी ऊपर आएगी। तो 2 7 40, क्लियर। अब 2 की टेबल को हमें 3 टाइम्स पढ़ना है, 2 3 6, अब 6 तो 1 से है तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब लेकिन 2 3 6 में टेंस तो हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया क्योंकि हमारे पास टेंस की डिजिट नहीं थी। अब नेक्स्ट आता है 3, 3 की टेबल हमने 7 टाइम्स पढ़ी, तो 3 7 21, तो सेम कंडीशन 21, तो 21 का 1 जो है वो नीचे आएगा एंड 2 अबव आएगा, तो 21। 3 3 9, अब यहाँ भी 9 जो है वंस में आ रहा है, तो 9 और ऊपर हम क्या लगाएंगे, 0। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर पता करने के लिए हम बिल्कुल इसको इसी टाइप से प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिए, इस वाले में क्या है, 1, तो हमारा सिंगल नंबर आ गया 1। अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, ये और ये तीनों को हमें प्लस करना है। 4 प्लस 2 6, 6 एंड 9 15। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 और 2 11 और 4 15। 15 का क्या आएगा, 5। कैरी कितनी हो गई हमारी, 1, तो वो कैरी हमारी यहाँ पे +1 में आ जाएगी। ठीक है, 4 और 2 6 और 9 15 का 5 कैरी
वन, वन को हम यहाँ प्लस कर देंगे, वन और वन टू, टू और सिक्स एट, तो एट हमारा आ गया आंसर यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया जीरो। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 37 मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल टू 851। क्लियर, आपकी समझ में आ गया? फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि लैटिस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले एक स्क्वायर बनाया, उसमें हमने फोर उसे पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन लेकर हमने इसको डिवाइड कर लिया। फिर हमने इसको नीचे वाले बॉटम से, ठीक है, ऊपर वाले बॉटम तक हमने इसको इस लाइन से नीचे से ऊपर तक मिला दिया, टॉप बॉटम तक मिला दिया। उसके बाद हमने सबसे पहले टूस की टेबल पढ़ी 7 times, तो 2 7 14, 14 का जो वंस वाली डिजिट आती है ऑलवेज बी रिमेम्बर वो नीचे ही लिखी जाती है ऊपर नहीं, तो उसको नीचे लिखा, और जो टेंस वाली डिजिट हुई उसको ऊपर लिखा। अगर हमारे पास टेंस की डिजिट नहीं है तो हम उसकी जगह पे जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसको हमने इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमने उसको क्या किया, प्लस कर लिया, प्लस किया, और जो कैरी आई वो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कहना तो कैरी का मीन्स नहीं है, पर यहाँ जो भी सेकंड लाइन में कैरी आ रही है इस रो में उसको हम इसमें प्लस कर देंगे, और अगर यहाँ भी कैरी आ रही है तो वो हमारी यहाँ पे लास्ट में प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारा 37 मल्टीप्लाई बाई 23 तो आंसर हो गया 851। आप सबकी समझ में आ गया होगा, और अब घर पे यूनिट 5 लैटिस मल्टीप्लीकेशन इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।